आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है नीरज जी ने। तो सबसे पहले नीरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और ऐसी ही वीडियोस के लिए देखें इंडार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। नीरज जी बताते हैं कि मैं ग्वालियर के रेलवे स्टेशन के ट्रेन यार्ड में ट्रेन की बोगियों में पानी भरने का काम करता हूँ। ये घटना अप्रैल 2020 की एक रात की है। जब मैं ट्रेन यार्ड पहुँचा तो पाया कि आज सिर्फ काम पर 5 ही लोग आए हैं। ऐसे में मेरा काम बढ़ गया था। मैंने बोगियों में पानी भरना शुरू किया और पानी भरते भरते अब काफी देर हो चुकी थी। साथ ही काम भी बस खत्म होने ही वाला था। बस 2-3 और बोगी ही बची थी पानी भरने के लिए कि पानी भरते वक्त मेरा ध्यान एक बगल वाली बोगी पर गया, जिसमें मुझे लगा कि कोई बैठा है। मगर अभी कौन हो सकता है, मैं ये देखने के लिए तुरंत ही अंदर गया। बोगी में काफी अंधेरा था तो मैंने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और बोगी चेक करने लगा। जब मैं बोगी के थोड़ा बीच में पहुंचा तो पाया कि एक औरत लाल साड़ी पहने खिड़की की ओर मुंह किए बैठी हुई है। मैंने मोबाइल की फ्लैश लाइट उस ओर करते हुए पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हो? मगर उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने थोड़ा और करीब जाते हुए पूछा, अरे आप ही से पूछ रहा हूँ, कौन है आप? इस पर वो बोली, क्या मुझसे? मगर वो आवाज मेरे ठीक कान के पीछे से आई। जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो पाया कि एक लड़की का सर हवा में तैर रहा है। मैं उस उड़ते हुए सिर को देखते ही हड़बड़ाते हुए मैं उस बैठी हुई औरत के पास जा गिरा। और जब मेरी नजर उस औरत पर गई तो पाया कि उसका सिर ही नहीं है। मेरी आवाज एकदम से बैठ गई, मेरा पूरा शरीर भी एकदम से बेजान पड़ गया था। मेरी नजर उस उड़ते हुए सिर पर तो कभी उस औरत पर थी। मैं एक तरह से मर ही चुका था। बस घबराहट के मारे मैं जोर जोर से सांसें ले रहा था। वो उड़ता हुआ सर मेरे मुंह के बिल्कुल करीब आकर बोला, तुम कुछ पूछ रहे थे? कि तभी मेरे दोस्त ने मुझे आवाज दी, अरे नीरज चल, काम खत्म हो गया यार, सब लोग जा चुके हैं, चल अब। कुछ देर तक तो वो मुझे आवाज देता रहा, मगर जब उसे लगा कि शायद मैं भी जा चुका हूँ तो वो भी चला गया और मेरी आखिरी उम्मीद भी उसके साथ ही चली गई। तभी उस धरकटी औरत ने मेरी गर्दन पकड़ ली, मेरी सांस उखड़ने लगी थी, मेरी जीभ भी बाहर आने लगी थी कि मेरा दोस्त और बाकी के लड़के भी वहां पर आ पहुंचे। उन सभी के आते ही वो धरकटी औरत और उसका उड़ता हुआ सिर एकदम से गायब हो गया। मेरे दोस्त ने सही टाइम पर आकर मेरी जान तो बचा ली थी, मगर मैं अभी भी सदमे में था, मेरा शरीर अभी भी बेजान ही था। तभी मेरे साथियों ने मुझे उठाया और ट्रेन यार्ड ऑफिस ले गए। वहां कुछ देर आराम करने के बाद मुझे थोड़ा सही लगने लगा, मगर डर अभी भी था और मेरी धड़कने भी तेज थी। और जब मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उस बोगी में हूँ, इस पर उसने बताया कि जब आवाज देने के बाद मेरा कोई जवाब नहीं आया तो उसे लगा कि मैं जा चुका हूँ। मगर जब वो एग्जिट बुक पर साइन करने गया तो उसने देखा कि मेरा साइन ही नहीं है और अभी भी बाकी के साथी वहीं पर थे। तभी उसे ध्यान आया कि एक बोगी से रोशनी आ रही थी, तो ये बात उसने बाकियों को बताई। तभी सारे तुरंत ही मुझे ढूंढने आ गए। वहां पर हम 5 लड़कों में से एक लड़का काफी पुराना था उस ट्रेन यार्ड में, जिसने बताया कि वो औरत और उसका प्रेमी गांव वालों की डर से यहाँ आकर छुपे थे। एक बार वो यहाँ से कहीं बहुत दूर जाना चाहते थे, मगर न जाने कैसे गांव वालों को उनके यहाँ छुपे होने की भनक लग गई। रात में ही कुछ लोग आए और उस लड़की की गर्दन धड़ से अलग कर दी और लड़के को मारते हुए
अपने साथ ले गए। तब से वो औरत अक्सर यहाँ कहीं ना कहीं दिख जाती है और जो भी उससे बात कर लेता है तो वो बच नहीं पाता। मगर शायद मेरी किस्मत अच्छी थी जो कि मैं उस दिन बच गया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।